तुलेश परिवार को मेरा नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ पर भी हैं स्वस्थ हैं और ठीक हैं। दोस्तों, लीडर हर टाइम पॉजिटिव सोचता है। परिस्थिति कैसी भी हो, वह हर वक्त सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, कभी वो परेशान नहीं होता है। और एक अच्छे लीडर की पहचान मुसीबत वक्त में ही पता चलती है। चलिए मैं आप सबको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगी। एक बार की बात है, एक राजा अपने महल के बाहर अक्सर दरबार लगाया करते थे, जहाँ वह अपनी प्रजा की समस्या को सुनते और उनका समाधान देते थे। एक बार की बात है, उस दरबार में एक व्यक्ति आया और कहता है, मेरे पास दो चीजें हैं जो देखने में बिल्कुल एक जैसी है। मैं काफ़ी परेशान हूँ, मैं कई सारे लोगों के पास जाता हूँ और ये चीज़ों को दिखलाता हूँ, लेकिन कोई पहचान नहीं सकता कि इसमें हीरा कौन है, क्योंकि इन दोनों में एक हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है। तो राजा ने बोला, ठीक है, आप यहाँ दिखाओ, हम सब मिलकर इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। तो सब ने कहा ठीक है। तो वो व्यक्ति ने एक टेबल पर वो दोनों वस्तु को रख दिए। वहाँ पर मंत्री आए, कई सारे मंत्री आए जिन्होंने देखा, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आया कि इन दोनों में हीरा कौन है। राजा को भी ये बात समझ में नहीं आई, वो भी पहचान नहीं पाया। और वो व्यक्ति ने ये शर्त रखी थी, जो इसे पहचान जाएगा, अगर आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति ये पहचान जाएगा कि इसमें हीरा कौन है, तो ये हीरा मैं आपके राज्य में ही छोड़कर जाऊंगा, और अगर कोई नहीं पहचाना तो मैं इसके मूल्य का पैसा मैं आपको मुझे देना पड़ेगा। तो राजा काफी परेशान था, काफी लोग आए, मंत्री लोग आए, लेकिन कोई भी बता नहीं पाया। उसी भीड़ में से एक बूढ़े व्यक्ति आवाज देते हैं कि महाराज, आप मुझे एक मौका दें ताकि मैं बता पाऊं इन दोनों में हीरा कौन है, एक मौका दिया जाए। लेकिन वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अंधा था। तो सभी लोग हंसने लगे कि हम सब नहीं बता पाए तो ये अंधा व्यक्ति क्या बताएगा। पर वो व्यक्ति बोला, मुझे एक बार मौका दिया जाना चाहिए। तो राजा ने बोला, ठीक है, आप ट्राई करके देख सकते हो। वो अंधा व्यक्ति आया और दोनों चीजों को छुआ। छूने के बाद वह एक को बताया कि ये हीरा है, और वाकई में वह हीरा निकला। इस बात से सभी हैरान थे कि आखिर वो कैसे पहचान लिया। तो राजा ने उससे पूछा, ये बताओ आप कैसे पहचाने कि इसमें ये ही हीरा है और वो सामने जो वस्तु है वो हीरा नहीं है। तब उसने बताया कि महाराज, हीरा कितने भी धूप में हो वो कभी गर्म नहीं होता, और उसके सामने जो चीजें हैं, हालांकि मैं देख नहीं सकता, दोनों को छूकर मैं बता पाया, उसके सामने जो वस्तु है वो पूरा गर्म हो चुका है, तप रहा है, और ये जो हीरा है इतनी धूप में भी ये गर्म नहीं हुआ है। तो असली हीरा वही होता है कि कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी धूप हो, वो कभी गर्म नहीं होता है। दोस्तों, मैं ये कहानी से आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि लीडर कभी परेशान नहीं होता है। कैसी भी परिस्थितियाँ हो, लीडर हर वक्त सिर्फ आगे बढ़ने की सोचता है, अपनी टीम के बारे में सोचता है, हर वक्त वो पॉजिटिव सोचता है। तो इस मुश्किल टाइम में अभी हालात जैसे भी हो, आप सभी लोग पॉजिटिव सोचें और हमेशा अपनी टीम के बारे में सोचें, अपनी टीम को फॉलोअप करें, और ग्लेज के द्वारा जो तीन ऐप है, ग्लेज, गैलवे, गैलवे कार्ड और गैलवे BST, ये तीनों ऐप को डाउनलोड करें, और इससे आप अपनी टीमों को बताएं ट्रेनिंग लेने का तरीका, आगे बढ़ने का तरीका। ये जो टाइम है अपने आप को साबित करने का टाइम है, तो आप अपने टीम में अच्छा मैसेज दें, पॉजिटिव सोचें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।